हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं पॉल वेस एंडरसन की तरफ से डायरेक्ट की गई एक और गेम एडेप्टेशन फिल्म मॉन्स्टर हंटर के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें ये फिल्म हमारे इंडिया में हिंदी डब में कब तक देखने मिलने वाली है। तो चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, और इस पर भी कि क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक को ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, अब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की इंडिया हिंदी डब रिलीज के बारे में। वेल, तो इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा, जिसकी पहले ऑफिशियल रिलीज डेट 25 दिसंबर की थी, जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशियली हमारे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। और इसके अगर रीजन की बात करें तो मेरे हिसाब से वो रीजन वंडर वुमन 1984 फिल्म है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को रुका दिया होगा। लेकिन अब इस फिल्म को ऑफिशियली इसी मंथ में रिलीज किया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन रूमर के तौर पर पहले ये रिलीज डेट इसी मंथ 15 जनवरी की थी, जो कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस डेट तक इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज किया जा सकता है। बट हो सकता है कि ये फिल्म 22 जनवरी तक हमारे इंडिया में ऑफिशियली हिंदी में रिलीज हो जाए, और हाँ, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी। तो ये बात हो गई फिल्म की ऑफिशियल रिलीज के बारे में। अब बात करते हैं फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में। वेल, क्रिटिक्स के हिसाब से ये फिल्म मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, जो हर बार पॉल वेस एंडरसन की तरफ से बनाई ही जाती है। और इसी के साथ साथ अगर इस फिल्म की कंपैरिजन रेसिडेंट इविल की तरह गेम से करें, जो कि ये फिल्म है, तो उस मामले में ये फिल्म ठीक रेसिडेंट इविल के ही यूनिवर्स के गेम की तरह मॉन्स्टर हंटर के गेम के यूनिवर्स में भी बहुत बुरी तरीके से फेल है क्रिटिक्स की नजरों में। जी हाँ, क्रिटिक्स ने ये बात इस फिल्म को लेकर बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दी है कि पॉल वेस एंडरसन ने रेसिडेंट इविल की ही तरह मॉन्स्टर हंटर के गेम के फिल्म के अडेप्टेशन के यूनिवर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, खास करके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को लेकर। जो इस फिल्म में टोनी जा जैसे काफी अच्छे स्टंट एक्टर को लेकर भी फिल्म में अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ नहीं किए गए, और इसी के साथ साथ क्रिटिक्स की कंप्लेंट इस फिल्म की फास्ट पेस की एडिटिंग को भी लेकर है, जो फिल्म की बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसकी वजह से फिल्म को देखने का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आप लूज करते हो, और फैन सर्विस के लिए तो ये फिल्म एक डिजास्टर से कम नहीं है। यानी कि जिन लोगों ने भी मॉन्स्टर हंटर के गेम को खेला है, क्रिटिक्स के हिसाब से उन्हें इस फिल्म से कोसों दूर रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ये फिल्म बिल्कुल टाइम पास की फिल्म है, जो लोग थिएटर में टाइम पास करने के लिए ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं। और यहाँ तक कि क्रिटिक्स के हिसाब से फिल्म की कहानी आपको ऑलमोस्ट फिल्म के ट्रेलर में ही बता दी गई है, उससे कुछ खास ज्यादा अलग यह फिल्म आपके सामने बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करने वाली। तो ये बात हो गई क्रिटिक्स की। अब बात करें ऑडियंस की, तो जी हाँ, ऑडियंस के हिसाब से भी ये फिल्म अगर मास ऑडियंस की नजर से देखी जाए तो एक टाइम पास की फिल्म है, लेकिन बाकी दूसरे लेवल की ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं, जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। बट ये सारी की सारी डिटेल्स तो क्रिटिक्स और बाहर की ऑडियंस की रिएक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि रीजन है फिल्म का इस इंडिया में अब तक रिलीज ना होना, जिसके रिलीज होने के बाद हमें पर्सनली पता चलेगा कि ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं। लेकिन जिस तरीके की डिटेल इस फिल्म को लेकर निकल कर आई है, उससे ये बात तो तय है कि ये फिल्म की इस ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और किन्हें इस फिल्म को थिएटर में देखने जाना चाहिए और किन्हें नहीं। तो अब इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज का वेट करते हैं, जिसके बाद हमें भी पता चल जाएगा कि ये फिल्म है कैसी, और मेरे चैनल पर तो आपको उसका रिव्यू मिल ही जाएगा, ताकि आप उससे ये कंफर्म कर सको कि आपको इस फिल्म को थिएटर में देखने जाना भी है या नहीं। लेकिन अभी के लिए तो आपको इसी रिएक्शन रिव्यू से काम चलाना पड़ेगा इस फिल्म के। तो अब करते हैं इस वीडियो को खत्म। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।